रूपनगर शहर में अंग्रेजों के जमाने के 137 साल पुराने पुल को निर्माण विभाग पंजाब असुरक्षित घोषित कर चुका है, लेकिन बावजूद इसके इस पुल पर यातायात बंद नहीं हो रहा। पेश है खास रिपोर्ट। पंजाब में कई सरकारें आई और गई। दरअसल रूपनगर शहर को बाकी शहरों से जोड़ता सरहंद नहर पर बना पुल इन दिनों खस्ता हालत में है। दरअसल ये पुल अंग्रेजों के जमाने का है। हालांकि तय मापदंडों के अनुसार 37 साल पहले ही इस पुल की मियाद खत्म हो चुकी है। वहीं निर्माण विभाग ने भी इस पुल को 2007 में रिटायर करते हुए असुरक्षित होने का ऐलान किया था। दरअसल इस पुल को शहर का दिल कहा जाता है, क्योंकि शहर की मुख्य एंट्री इसी पुल से होती है। शासन तो और सरकार तो पुरजोर मांग करते हैं कि सरहंद नहर से बनिया होया यह 1800 सन वाला पुल ये बिल्कुल अनसेफ है और इस पुल को जल्दी तो जल्दी बंद किया जाए ताकि लोगों की जान ते माल की रक्षा की जा सके। दिन च 20-25 बारी हो जाता जी साडा इधर नूं आउणा जाणा जी। इहदा नुकसान जिम्मेवार कौन होगा जी? सरकारां ही जिम्मेवार है जी। वैसे तो बंद होना चाहिए जी, इहदी मरम्मत की जानी चाहिए है जिन्नी जल्दी हो सकता जी। वहीं 2007 जब इसे असुरक्षित घोषित करने के बाद इस पुल को बंद करने की बात चली तो शहर वासियों ने इसका विरोध भी किया था। ये जिहड़ा पुल है ये पंजाब इरीगेशन डिपार्टमेंट वालों बनाया गया सी 1882 च, जो कि तकरीबन अज दी घड़ी 137 साल पुराना हो चुका है। तो असी 2006 इहदी एक टीम बना के चैकिंग कराई सी ते इहनू अनसेफ डिकलेयर कर दिता गया सी 2006। तो असी हुण रीसेंटली भी डीसी साहब नूं लिखिया है कि हाँ भी इहदे लई पुलिस विभाग नूं लिखिया जावे कि हाँ भी इहदे लई भारी वाहनां नूं इत्थे आन जाण तों रोकिया जावे। पर इस तों इलावा असी 2010 एक नाल ही इहदे एक स्टील दा ब्रिज भी बनाया सी ते असी लोगों नूं अपील भी करदे हां कि हाँ भी उह स्टील ब्रिज बरतन इस पुल दे उपरों। 4-व्हीलर 4-व्हीलर वाहन जिहड़े हैगे है उह नहीं लगने चाहीदे। जिहड़ा जिवें पब्लिक इंट्रस्ट जिहड़ी तुसीं इनफॉर्मेशन जिहड़ी शेयर कीती हैगी, मैं कन्फर्म भी कर लिया कि हाँ बिल्कुल तुहाडी गल ठीक है, ये अनसेफ है और असी विद इन मैक्सिमम कल सवेरे तो असीं जिहड़े ट्रैफिक रेगुलेट करांगे उहदे जिहड़े व्हीकल जिन्हां दी वेट परमिसिबल वाले होणगे उही अलाउ। दरअसल अब 137 साल पुराने हो चुके इस पुल की हालत वेंटिलेटर पर लगे बुजुर्ग की तरह है, जो किसी भी समय रुखसत हो सकता है। वहीं रोजाना हजारों की संख्या में लोग इस पुल का इस्तेमाल करते हैं, हालांकि यहां पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। रूपनगर से जनता टीवी के लिए सज्जन सैनी की विशेष रिपोर्ट। संजन सैनी संवाददाता इस वक्त ज्यादा अपडेट्स के साथ इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। सज्जन, 137 साल पुराना है ये पुल और सरकार की तरफ से हालांकि इसे घोषित भी कर दिया गया है कि ये खतरे से खाली नहीं है, लेकिन बावजूद इसके कोई कदम नहीं उठाया जा रहा, यातायात अभी भी चल रहा है। जी, ये बड़ी चिंता की बात है। हमने ये मुद्दा उठाया था, 6 दिन हो गए हैं। अधिकारियों से हमारी बात हुई थी जब अधिकारियों के साथ, तो उन्होंने हमें विश्वास दिलाया था कि वो कल इसको जो बंद करेंगे, भारी ट्रैफिक वगैरह जो इस पे बंद कर दी जाएगी, डाइवर्ट कर दी जाएगी। लेकिन 6 दिन बीत जाने के बाद भी यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। पुल पर वैसे ही यातायात चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। इससे जाहिर होता है कि प्रशासन या जो सरकार है किसी बड़े हादसे की उड़ीक है, क्योंकि जब हादसा हो जाता उसके बाद सरकार जो मृतकों के जख्मों पर मुआवजे की मलहम लगाकर जो है अपनी लापरवाहियों को ढक देती है, लेकिन समय रहते जो कार्रवाई होनी चाहिए उस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। जी बिल्कुल। सज्जन, क्या आपकी इस विषय में किसी अधिकारी से बात हुई? आखिर उनका क्या कहना है कि क्या कारण है, क्यों प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा, इतना लाइटली क्यों लिया जा रहा है इस मुद्दे को? जी, वो लापरवाही की बात आ जाती है। जब हमने पहले भी बात की थी 5 दिन पहले, तो अभी हमारे जो हमने कॉल किया तो कॉल उठा नहीं रहे प्रशासनिक अधिकारी, जो अपनी बिल्कुल जिम्मेवारी समझ नहीं रहे। बार बार उनको ये हम ध्यान में ला रहे हैं कि कभी बड़ा हादसा हो जाता है, क्योंकि बात करें इस पुल की तो ये रीढ़ की हड्डी है शहर की जी। यहाँ से रोजाना हजारों की तादाद में लोग यहाँ से गुजरते हैं, स्कूलों के बच्चे इसी पुल से होकर हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल जहाँ से दिन भर एम्बुलेंस चलती है। लेकिन अगर हादसा हो जाए तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, ये प्रशासन बोलने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल प्रशासन कैमरे के आगे तैयार नहीं है बोलने के लिए। जी बिल्कुल। सज्जन, जैसे आप भी जानकारी दे रहे हैं, ये जो पुल है वो मेन एंट्री गेट के उधर ही बना हुआ है, तो यहाँ पर यातायात भी काफी ज्यादा रहता है, बच्चे रोज यहाँ से रोजाना गुजरते हैं। अब ऐसे में जब इस ये बताया गया कि 137 साल पुराना है, ये कब की जानकारी है, जब प्रशासन तक ये बात पहुंची?
जी, जब हमने डिप्टी कमिश्नर को बताया तो वो हैरान हो गए कि उन्हें मीडिया से पता चला कि ये पुल जो है अनसेफ किया हुआ है। उन्हें पहले जानकारी नहीं थी। इसमें लापरवाही कह सकते कि जो लोक निर्माण डिपार्टमेंट है या इलिगेशन डिपार्टमेंट है उनकी बिल्कुल लापरवाही है। जब 2007 में उन्होंने इसको अनसेफ डिक्लेयर किया तो इसको क्यों बंद नहीं किया? मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, बिल्कुल मेरे पीछे एक आपको पुल दिख रहा होगा, लोहे का पुल है मेरे पीछे। इस पुल से महज 500 मीटर की दूरी पर पुल बना हुआ है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे लोहे का पुल है। वो पुल इसके बदले बनाया गया था कि ताकि ट्रैफिक जो है उस पुल से गुजरे, ये अनसेफ पुल है, कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। लेकिन आज तक इस पुल को बंद नहीं किया, उस पे पुल पे करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। वो पुल पे अभी ज्यादा ट्रैफिक नहीं चलती, इसी पुल से ट्रैफिक गुजरती है। बिल्कुल भी अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे इस पे। यानी कि सज्जन जी, आप ये कह रहे हैं कि इसका विकल्प है, एक पुल और बनाया गया है, वहां से यातायात गुजर सकता है, लेकिन साफ तौर पर यहाँ लापरवाही बरती जा रही है क्योंकि इस पुल को बंद नहीं किया जा रहा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। 2010 में ही पुल बना दिया गया था, लगभग 10-11 करोड़ रुपए खर्च करके लोहे का बड़ा पुल बनाया, और इससे ज्यादा बड़ा पुल है, इस पे दो वाहन इकट्ठे गुजर सकते हैं, बड़े ट्रक वगैरह। लेकिन जो लापरवाही कह सकते हैं प्रशासन की, सरकार की, इसमें कि इस पुल को बंद नहीं किया, इसी करके जो लोग है इसी पुल से जाते हैं, और कोई भी चेतावनी बोर्ड नहीं लगा रखा यहाँ पे कि लोगों को बताया जा सके कि अनसेफ पुल है, इस पे चलना खतरनाक है, जिसके कारण लोगों को पता ही नहीं है कि ये पुल अनसेफ है, लोग आराम से इस पुल से गुजर रहे हैं। लेकिन सज्जन, अगर वहां के स्थानीय लोगों की बात की जाए तो उनको जरूर इस बारे में पता होगा कि इस पुल से गुजरना कितना अनसेफ उनके लिए हो सकता है, तो क्या ऐसे में लोगों को जागरूकता नहीं है, लोग खुद भी अवेयर नहीं है, ये कहा जाए, या वो भी लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं वहां के जो स्थानीय लोग हैं? जी बता दें, जब 2007 में जो इसको अनसेफ किया था उस समय मीडिया की तरफ से खबरें लगाई थी, उस समय लोगों को थोड़ा पता चल गया था, तो ये थोड़ा बंद कर दिया था, भारी वाहनों के लिए, छोटे वाहन नहीं गुजरते थे। लेकिन उसके 2-3 महीने बाद वो बोर्ड भी उखाड़ दिए गए, और जो लगाए थे लोहे के एंगल वो भी उखाड़ दिए गए, उसके बाद सब भूल गए, और प्रशासन भी लापरवाही के साथ कुंभकर्ण की नींद सो गया। उसके बाद अभी लगातार ये ट्रैफिक इसी तरह चलती है, और एक बात बता दूं, पूरा शहर इस पुल से होके गुजरता है, अंदर जो होलसेल की दुकान है उसके बड़े बड़े ट्रक रात को आते हैं, पूरे लोड होके ट्रक इसी पुल से गुजरते हैं, वो सामान जो लाते हैं दुकानों का जी। तो रात को टिप्पर और रेत के भरे ट्रालियां यही पुल से गुजरती हैं। जी सज्जन सैनी, शुक्रिया आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये पुल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपको बता दें पुल खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि यहां से गुजरना बड़ी लापरवाही की वजह से या किसी भी तरीके से अगर आप यहां से गुजरते हैं तो कोई भी बड़ा खतरा यहां पर आपके सर पे मंडरा सकता है। प्रशासन की तरफ से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, लेकिन बार बार यही चेताया जा रहा है कि आप खुद अवेयर रहें, इस पुल से गुजरते वक्त आप ध्यान रखें।